मधुवापुर प्रखंड के बलवा पंचायत अंतर्गत बैरवा गांव में जलजमाव की समस्या से ग्रामीण त्रस्त है। खासकर अतिक्रमण जलजमाव का मुख्य कारण है, जिसके वजह से लोगों का घर से निकलने में परेशानी होती है, बल्कि आवागमन करने में कठिनाई उत्पन्न हो चुकी है। अंचलाधिकारी को कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन कोई पहल नहीं होते देख ग्रामीण ने समस्या को लेकर अंचल प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण नागेंद्र यादव, लालू प्रसाद यादव, माझी यादव, गफार साफी, गरफू साफी, रामदयाल महासेठ, ताहिर साफी, इद्रिस अंसारी, मुन्ना अंसारी, अख्तर अंसारी, सुलेमान राइन, अमर यादव, नाजिम साफी समेत लोगों ने कहा कि बैरवा गढ़ टोल के चौमुहानी पर जलजमाव से परेशानी हो रही है, जिसके कारण लोगों को घर से बाहर निकलने में समस्या हो रहा है और पानी से दुर्गंध फैल रही है, जिसके कारण महामारी भी फैल सकती है। युक्त जगह पर बने नाले को एक व्यक्ति द्वारा जबरन दबंगता पूर्वक अतिक्रमण कर लिया गया। इसके साथ ही बैरवा चौक पर हरी शाह के घर के पास से बैरवा मुसहरी तक प्रधानमंत्री सड़क की पूरी तरह से अतिक्रमण की चपेट में है, जिसके कारण चार पहिया वाहन तो दूर बाइक का भी आवागमन करने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। समस्या को लेकर कई बार अंचलाधिकारी को आवेदन दिया गया, लेकिन वो इस पर संज्ञान नहीं लिए और आवेदक को फटकार दिया। अंत में अजीज आकर हम लोग लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी में मामला दायर किए। अगर समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तो चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस संबंध में अंचलाधिकारी रामकुमार पासवान ने कहा कि जलजमाव और अतिक्रमण से निजात दिलाने को लेकर पहल किया जाएगा। लालू जी बताइए, क्या समस्या है आपके यहाँ? देखिए, पूर्व से ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत शहर घाट के जो करीब है वहाँ से लेकर के हरी साहु के घर से लेकर अखा तक जो ये प्रधानमंत्री सड़क योजना है और इसमें सड़क बना हुआ था और ये जो छूटा हुआ है 28 फीट वो राज्य सरकार की योजना है, राज्य सरकार का सड़क है और वो प्रधानमंत्री सड़क योजना का रिपेयरिंग हो रहा था। हम लोग इसमें कहें कि जो गड्ढा है बार बार पानी लग रहा है, जिसमें थोड़ा मटेरियल डाल दिया जाए और पानी का बहाव भी निकाला जाए और इसी तरह से ढलैया करके पानी का बहाव का रास्ता भी निकाला गया था और आवेदन में दिया गया है यहीं के स्थानीय लोग उस नाले को दबंगता पूर्वक भर दिया है और इसका शिकायत ये घर है, देख लिया जाए हर बार ये घर है जो निकलेगा तो ये पानी में ही निकलेगा और इसके पीछे 200 परिवार है और प्रतिदिन ये 20 मीटर में पानी हेलना पड़ रहा है और बर्बरता पूर्वक वो सीओ साहब अंचलाधिकारी महोदय इनको बोल दिए कि तुम अंधा है कैसे पानी देख लिया, मतलब जो नहीं उनको पूछना चाहिए एक अधिकारी के रूप में, वो पूछ करके इनको वहां से हटा दिए हैं। और हम लोग चाहेंगे जहां पर हम खड़े हैं जहां पर ये दशा की गई है वहां पूरे एक जरीब रास्ता है, थोड़ा बहुत नहीं है, पूरे एक जरीब सड़क जो यहाँ पर है, फिर भी इनक्रोचमेंट इतना हो चुका है जो बैरवा और कहा बैरवा या बगल में मुसरा गांव है ये सारे का मुख्य मार्ग यही है, लेकिन आने जाने में इतनी कठिनाई हो रही है। कई बार शिकायत किए गए हैं, सीओ साहब के यहाँ आवेदन दिया गया है, उन पर भी कोई विचार नहीं हुआ है। हम लोग अब लोक शिकायत में भी आवेदन किए हैं, देखिए आगे क्या होता है। आप लोग इस पर निगाह रख के प्रशासन को ध्यान आकृष्ट करवाइए कि बैरवा को पूर्ण रूपे अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, चाहे वो पीएम प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, पूर्ण रूपेण बैरवा को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। आपका परिचय? मेरा परिचय लालू प्रसाद यादव, घर बैरवा। क्या परेशानी है? परेशानी सर देखते पानी हमारे घर के से निकलते पानी में गिर जाते हैं, हम अंधार भी देख नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आपके घर के पास जल जमाव लगा हुआ है? जी। कितना दिन से है? 4-5 रोज से। 4-5 महीना से? नहीं, 4-5 रोज से है सर। 4-5 दिन से? इससे पहले नहीं रहता था यहाँ? यहाँ नहीं रहता था, तो पानी निकल जाता था। निकल जाता। तो कारण क्या है? जो कारण यहाँ पर रोड ढाला सर, तो रोड ढाले पर नाला बना था, नाला भर दिया गया, पानी नहीं निकल पा रहा। अच्छा, इस संबंध में आप कहीं आवेदन दिए हैं? जी, सीओ साहब को दिए। सीओ साहब हमको बोलता है कि कपड़ा हमारा देख रहे थे, हम बोले सर नहीं, कपड़ा देखते तो हम आपके पास आते, तो अभी हमको इधर उधर बोल के बोले ठीक है जाओ। तो खाना पर दिए हुए तो खाना बोले कि कल आज शाम में आया था, नहीं तो कल शाम में आ गया। अच्छा, मतलब अंचल से भी कोई उपाय नहीं मिला? नहीं सर, नहीं। तो आपके समस्या पर सीओ साहब भी ध्यान नहीं दिए हैं? नहीं सर, नहीं बोले कुछ भी। तो आप लोग शिकायत किए हैं? जी। वहाँ उम्मीद है कि जो समस्या का समाधान वो हो जाएगा? तो यही सोच रहे सर, हमको न्याय मिले कहेंगे। अच्छा, कितने लोग प्रभावित है इस जल जमाव से? यहाँ से उतर जितना है 100-200 घर होगा लगभग। सब परेशान है इससे? और मुख्य सड़क यह है अकहा
और बैरवा का ये मुख्य सड़क है, रोज लोग इसी सड़क से आवागमन करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नागेंद्र यादव, बैरवे घर है जी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।